मैम, पहले आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम शाहिदा बानो है और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, अभी मैंने मास्टर्स किया था हिंदी में, और मैं यहाँ लखनऊ हिंदी का, पीजीटी हिंदी का ही इंटरव्यू देने के लिए आई। ओके एंड मैम, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पैनल का बिहेवियर कैसा था, कुछ बताइए। पैनल का बिहेवियर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत कॉपरेटिव हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो वो हमें बताते हैं, और हंसमुख है बहुत, माहौल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर जाकर हमें लगेगा कि पता नहीं कौन बैठा हुआ है और हमें क्या कहेंगे, तो ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। उन्होंने जो, अगर मैंने कोई गलती की है तो उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। कैसे क्वेश्चंस थे मैम, सब्जेक्ट थे कि सिचुएशन बेस्ड सब्जेक्ट क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट बेस पर थे मेरे। जितना मैंने हिंदी में पढ़ा है, कहानी उपन्यास उन्हीं के बारे में था, और फिर उसमें अंतर पूछा उन्होंने। उसके बाद कुछ शब्द मेरे से लिखवाए और एक पैराग्राफ दिया मुझे, जो बालमुकुंद गुप्त, एक 11th क्लास में एक चैप्टर है बालमुकुंद गुप्त, तो उन्हीं का एक पैराग्राफ था कि बच्चों को आप कैसे प्रेजेंट करोगे। एंड मैम, इंटरव्यू की लैंग्वेज कोई पर्टिकुलर थी, हिंदी या इंग्लिश नहीं या फिर नहीं जिसमें आप बाइलिंगुअल? कंफर्ट हो। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप हिंदी या इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट था तो मैं हिंदी में ही बात कर रही थी। ओके एंड मैम, जो आपका इंटरव्यू रहा उसमें आपने खुद से तैयारी की है या फिर मॉक इंटरव्यूज आपने दिए? नहीं, मैंने खुद भी तैयारी की है, मतलब रिटर्न की तो मैंने खुद से की थी, लेकिन कैसे मैं प्रेजेंट करूंगी, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक जो इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन किया था, करियर क्वेस्ट का। एंड मैम, तो एनईपी, दीक्षा और इसके करंट बारे में अफेयर्स कुछ कोई नहीं पूछा क्वेश्चंस? उन्होंने मेरे से, कुछ भी नहीं पूछा। एंड मैम, जो आपका डेमो हुआ बेसिकली, वो जो है उन्होंने टॉपिक दिया या फिर उन्होंने आपने, ही दिया था मुझे। उन्होंने ही हाँ आपको जी, दिया? मुझसे तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप कुछ तैयार करके आए हो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस अपनी बुक खोली और उसमें से मार्क करके दिया कि आप ये चीज पढ़ाइए, वो मैंने एंड मैम, पढ़ाई। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आप कुछ बताएंगी? आपको क्या मोटिवेट करता है, किया पूरी इस जर्नी में आपका मोटिवेशन क्या मुझे कर रहा? मुझे ये मोटिवेट करता है कि हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी बहुत ज्यादा बारीकियां भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम, ऐसा नहीं है कि आसानी से वो चीजें समझ में आ जाए। और हिंदी लगती बहुत आसान है लेकिन होती नहीं है। जब आप उसको बारीकियों से पढ़ोगे तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हिंदी अपार सागर है। ओके एंड मैम, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगी कि जिस तरीके से आपकी पूरी इस जर्नी में क्या नेगेटिव रहे, क्या पॉजिटिव रहे, जिससे कि वो लोग वो गलतियां ना करें जो आपने की? वही मैंने अभी जैसे बताया कि अब अगर आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हो तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, और उन सब्जेक्ट्स में आपने क्या क्या पढ़ा है, और साथ साथ आपको लेखकों के नाम वगैरह भी याद रखने हाँ पड़ेंगे। जी, और उसके अलावा आप जो लेखन है आपका, आप उसमें त्रुटियां ना करें, गलतियां ना करें। ओके एंड मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने मार्क्स बता सकते हो? नहीं मैम, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके ओके, नो इश्यूज। एंड मैम, हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, उनके लिए कुछ ऐसा बोले जिससे कि वो मोटिवेट हो सके कि उनको इस फील्ड में जाना चाहिए? देखो, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप ये नहीं सोच सकते कि आप हमेशा सिर्फ सिखाएंगे, तो आप उसमें सीखने के लिए भी मतलब अपने मन में रखिए कि अगर आपने कोई गलती की है या अगर आपको और कुछ बेहतर करना है तो आप उसमें कैसे कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी मत मानिए कि हाँ आप इतना पढ़ चुके और इतना काफ़ी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, हमेशा आप उसको प्रोग्रेसिव वे में ही देखिए। और बस इतना ही कहूंगी कि जो भी पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ो, हिंदी को बहुत आसान और एवं ही मत समझो। ओके मैम, थैंक यू एंड गुड लक मैम, थैंक यू। एंड दिस इज फॉर यू। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, थैंक यू मैम।